वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। और आज है संडे और संडे इज अ फन डे। और आज यहाँ थोड़ा सा लाउड है क्योंकि आज मैच चल रहा है। तो जानते ही हैं मैच के प्लेयर कितने हैं, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुने, क्योंकि मैं लास्ट संडे को गई थी और लास्ट संडे को ना इंडिया और पाकिस्तान का वहाँ पे ये क्रिकेट मैच चल रहा था, जो कि मतलब उस समय मैं गई थी। और ये ब्लॉग मेरा थोड़ा लेट जा रहा है क्योंकि उसके बीच में अलग अलग ओकेज़न आ गया और अलग अलग मेरा ब्लॉग आ गया था। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब वो ब्लॉग देखे होंगे, और अगर नहीं देखे अब तक तो प्लीज़ वो ब्लॉग भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस ब्लॉग में आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो आप शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो में हम लोग आगे बढ़कर। और हम लोग एक बार फिर फोरम गैलेरिया में आ गए हैं और ये फोर्थ फ्लोर में, आप जैसे ही एक्सेलेटर से ऊपर फोर्थ फ्लोर में आएंगे, और ये नाइट का टाइम है क्योंकि आप देख सकते हो इतना ही खूबसूरत लाइटिंग का यहाँ पर देखिए काम किया गया, इतना ही कलरफुल लाइट वगैरह से यहाँ पर डेकोरेट किया गया है। और ये सब देख करके ना मतलब दिल खुश हो जाता है ना। इंटीरियर का काम बहुत ही अच्छा है और इसका डाइनिंग एरिया भी बहुत ही बड़ा है सा बनाया गया है, आप देख सकते हो काफ़ी ही बड़ा डाइनिंग एरिया और इतना कलरफुल और इतना लाइटिंग के साथ इसको डेकोरेट किया गया है। ये देखिए सामने में बिग बर्गर और स्पाइसेस हेरिटेज वगैरह सब खुला है, और यहाँ पे रिसेंटली एक ये नया आइसक्रीम का भी खुला है। और ये देखिए कितने कंफर्टेबल तरीके से यहाँ पे बैठ करके आप यहाँ पे फूड एंजॉय कर सकते हो, काफ़ी ही बड़ा सा एरिया में बनाया गया। और ये वाला देखिए एक मैंने पेस्ट्री आइसक्रीम वगैरह आप बर्थडे पार्टी उठी छोटा मोटा यहाँ पर बैठ के वो भी आप यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकते हो। तो इसके लिए ना यहाँ पर आपको आइसक्रीम और ये पेस्ट्री वगैरह केक वगैरह भी मिल जाएंगे, है ना। तो वो छोटा मोटा वो चीज़ भी आप यहाँ पे आके ये कर सकते हो। तो ये एक तरह के बेकरी टाइप का है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जगह जगह पे टीवी लगा हुआ है जहाँ की सबको बैठ करके यहाँ पे सबको यहाँ पे ये क्रिकेट मैच का यहाँ पे ये ले रहे मज़े ले रहे हैं। और इसका डाइनिंग एरिया देखिए कितना ही बड़ा मैंने स्पेस में बनाया गया है पूरा। और अगर आप लिफ्ट से आते हैं तो लिफ्ट के जस्ट बगल में देखिए सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, यहाँ पर सेल्फी वगैरह आप ले सकते हैं। ये देखिए कितना कलरफुल ये सब लगा दिया गया है जो कि काफ़ी ही बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ना। तो चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं और उससे आगे जाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल ही सबका जहाँ जहाँ पे है जैसे पिज़्ज़ा हट हुआ ये वगैरह सबके सामने सामने में पूरा डाइनिंग एरिया रख दिया गया है जो कि आप आके यहाँ पे बैठ करके ये कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे छोटा सा एक एक्वेरियम भी रखा गया है जिसके अंदर की बहुत ही प्यारे प्यारे फिश वगैरह है। ये देखिए कितना ही अच्छा अच्छा है ना, देखिए कितना खूबसूरत, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था। तो मैं इसको भी थोड़ा सा ये ले ली। तो चलिए हम लोग इसको ये छोड़ करके आगे चलते हैं और देखते हैं राहुल कहाँ पे हैं। तो मैं यहाँ राहुल को देख रही थी और वो काउंटर में अपना ये कर रहा था, तो यहाँ पे राहुल अपना काउंटर में फूड ले रहा है। तब तक चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ और क्या क्या है। तो ये देखिए ये रहा बिग बर्गर, तो बिग बर्गर में बर्गर कितना बड़ा है ये भी हम लोग देखेंगे। और आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर और जगह जगह पर क्या क्या बना हुआ है। तो चलिए आगे चलते। तो ये तो रहा बिग बर्गर और इसके जस्ट बगल में ही स्पाइस हेरिटेज है। और ये स्पाइस हेरिटेज में मैं क्या ही बताऊँ आपको, बिल्कुल घर का फूड जैसे दाल चावल रोटी और ये सब जो मिलता है ना बिल्कुल घर वाला खाना, बिल्कुल उसका टेस्ट आपको लेना है तो यहाँ पे एक बार आप ज़रूर आए। और जस्ट उसके बगल में ये देखिए पिज़्ज़ा हट, और बाकी आगे जाएँगे तो बहुत सारे फूड कॉर्नर यहाँ पर खुलने वाले हैं। तो हम लोग आगे भी चलेंगे और किसका डेट कब कौन सा डेट पर खुलने वाला मैं दिखाऊँगी। ये तो रहा इस साइड का, और उस साइड का अगर देखते हैं तो वो सामने में भी वहाँ पे भी एक खुला है आइसक्रीम वगैरह कुछ करके, तो वहाँ पे भी है। और उस साइड का भी बहुत सारा ऐसे जो स्टॉल है जो कि अभी खुला नहीं है, ओपनिंग नहीं हुआ, वो नहीं हुआ है। तो ये वाला यहाँ पे जो एक लाइन से जो खुला हुआ है मैं आपको वो वाला पहले दिखा दी। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इनका ऐसा है ना, ये सिस्टम ऐसा है ना, यहाँ पे कैश नॉट अलाउड। तो यहाँ पे जो काउंटर खुला है ना अभी स्पाइस हेरिटेज हो या बिग बर्गर हो या जो भी अभी खुला है यहाँ पे कैश नहीं लेते हैं। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ जूम करके, यहाँ ओनली डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से ही अभी पेमेंट होता है। अभी पेटीएम भी यहाँ तक कि पेटीएम का भी नहीं हो रहा। और यहाँ पर ये देखिए इसका मेनू है, तो मेनू के हिसाब से इसका प्राइस वगैरह भी बहुत अच्छा है। मैं आगे चल के आपको सबका मेनू पूरा डिटेल में दिखाऊँगी और स्क्रीन पर भी इसका मेनू शो होता है। तो चलिए मैं इनसे बात कर लेते हैं। और इसमें सुनी हूँ कि ऑफर वगैरह भी आता है ना, तो किस दिन ऑफर और कैसा ऑफर आता है चलिए उनसे बात कर लेते हैं। और ये बिग बर्गर एवरीडे का ऑफर जो दिखा रहा है इसका क्या मतलब है, चलिए उनसे हम लोग खुद उनसे बात करके डिटेल में जान लेते हैं। संडे का क्या ऑफर है यहाँ पे? आज सुबह 11 बजे आपका चिकन पॉपकॉर्न का था, उसमें आपको डबल पॉपकॉर्न लिए होते तो आपको
60 रुपीज डिस्काउंट में मिला रहता है, अराउंड 40% डिस्काउंट में मिला रहता है आपको। अच्छा। वो अराउंड हर 6 बजे तक हमारा खुला रहता है। अच्छा। एवरी डे रहता है, 6 बजे तक रहता है शाम तक। अच्छा, शाम को 6 बजे तक, अभी उसके बाद नहीं है? उसके बाद नहीं, सुबह से शाम को 6 बजे तक। तो फिलहाल हम लोग ऑर्डर दे दिए हैं और आता है तो खा करके उसका रिव्यू देती हूँ कि कैसा क्या बना है। चलिए चलते हैं, बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। यहाँ 300 का यहाँ पे आइसक्रीम भी यहाँ पे खुलने वाला है, अभी फिलहाल खुला नहीं है। ये भी काउंटर यहाँ पे बन रहा है, अभी खुलने वाला है, खुला नहीं है। देखिए आप लोग यहाँ रिसेंटली वाला खुल भी जाए, और उसके जस्ट बगल में है कूलेस्ट बार, यहाँ पे खुलने वाला है और बहुत ही जल्दी इसका ओपनिंग होने वाला है सुनी हूँ। और इसके जस्ट बगल में हम लोग जाएंगे ना तो चाय ब्रेक, यहाँ पे चाय ब्रेक कॉफ़ी बार वगैरह सबको खोलने वाला है। और डेट आपको बता दूँ 26 को ये वाला खुलने वाला है। रेडी रहिए आप लोग का अपना ब्लॉग बनाने के लिए यहाँ पे, क्योंकि चाय ब्रेक बहुत ही जल्दी कनेक्शन खुलने वाला है 26 को। तो कौन कौन आ रहा है कमेंट करके जरूर बताना। और जस्ट उसके बगल में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे कुछ फूड, और यहाँ पे फूड का ही है, फूड एंड ड्रिंक, तो ये भी खुलने वाला। पर अभी फिलहाल इसका मतलब कि डेट वगैरह कुछ यहाँ पे लगा नहीं है, लेकिन बहुत सारा यहाँ पे फूड कोर्ट वगैरह खुलने वाला है। और अगर आप फूडी है तो यहाँ पे ज़रूर आए। और ये देखिए यहाँ पे इसी तरह से बहुत सारा है जो कि अभी खुल गया है और बहुत सारा है जो कि खुला नहीं है। तो फिलहाल हम लोग वेट कर रहे हैं, हम लोग ऑर्डर दे दिए, अब लेने के लिए जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं, मेरा ऑर्डर अब मिल गया है और राहुल का फेवरेट चीज़ आ गया, और राहुल अभी फिलहाल लेकर के जा रहे हैं। तो राहुल का फेवरेट वाला आ गया। राहुल चलो अब हम लोग को ये टेस्ट करके बताओ, है ना, देख सकते हैं क्रिकेट। यहाँ पे राहुल खाना लीजिए, बाकी लोग यहाँ पे देखिए क्रिकेट, ये सब क्रिकेट एंजॉय करते करते हम लोग खाते हैं। और इसका बर्गर का भी साइज आप देख सकते हो, ओ माय गॉड, इसमें काफ़ी बड़ा है ना। और इसका प्राइस, और इसका देखो नॉर्मल ऐसे प्लेन होता है, पर इसका देखो ये ना बहुत ही अच्छा इस तरह से रोल रोल करके है ना, नॉर्मल नहीं है, रोल रोल करके है। तो चलिए खा करके देखते हैं कैसा है, फिर अभी हम लोग और फिलहाल ऑर्डर दिए हैं, आ रहा है, तब तक हम लोग इसको एंजॉय करते हैं ना। यहाँ पे चाय ब्रेक कैफे बार जो खुलने वाला है 26 को खुलने वाला है। और ये तो बर्गर भी यहाँ का जो हम जो खाए यहाँ पे बिग बर्गर, यहाँ पे भी आप आइए एंजॉय करिए, क्योंकि नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा है और टेस्ट हाँ ओके ओके है, क्योंकि जैसा होता है बर्गर पर वैसे ही है। इस फ्रेंच फ्राइज जो है ना उसका थोड़ा सबका स्ट्रेट होता है, इसका थोड़ा रोल रोल है, बाकी टेस्ट तो सब कुछ है। लेकिन मेरे को ये ड्रिंक ज़्यादा पसंद आया है ना, मिंट वाला ड्रिंक, ये बहुत ही रिफ्रेशिंग है, आप आइए तो इसको ज़रूर ट्राई करिए। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।